फॉर्म नंबर कैसे पता करें? बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए नहीं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पा रहे हैं क्योंकि उनको फॉर्म नंबर ही नहीं पता। पहले ही बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई नहीं किया था वो लोग अगर एग्ज़ाम फॉर्म ढूंढ रहे हैं तो वो उनको नहीं मिलेगा, उनका एडमिट कार्ड भी नहीं आया होगा और एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एग्ज़ाम फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था, दो तीन महीने पहले अप्लाई हो रहा था। तो अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म पता करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए नो योर एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है और नीचे में प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म। तो एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आप रखना चाहते हैं अपने पास, प्रिंट करना चाहते हैं तो वो करेंगे, और अपना एग्ज़ाम फॉर्म नंबर जानना चाहते हैं, फॉर्म नंबर जानना चाहते हैं तो नो योर एग्ज़ाम फॉर्म ब्लू कलर में है उस पर क्लिक करना है। और नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि देखिए जब आप नो योर एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने के लिए आप यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप लोग, मैंने क्लिक किया नो योर एग्ज़ाम फॉर्म पे, इस तरह से आया। इस तरह से आपको अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ करना होगा। आप यहाँ पर अपना खोज लीजिएगा, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट में खोज लेना है एक करके। मैं इन कॉलेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि एक बार फिर से मैं एन कॉलेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि कॉलेज मेरा एन कॉलेज है, ठीक है। और भी फिर नीचे में दूसरा ऑप्शन आएंगे, आप मेल हैं या फीमेल से, वो सारी चीज़ें सही से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना कोर्स खोज के चूज कर लेना है कौन सा कोर्स है। तो मैं BSc ऑनर्स यहाँ पर चूज करता हूँ फर्स्ट ईयर। आप अगर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में चूज करता हूँ यहाँ पे मेल फीमेल चूज करके, उसके बाद कैंडिडेट नेम के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं अपना फॉर्म नंबर। एंड उसके अलावा नीचे में और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा जब आप फॉर्म नंबर पता करने जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से पता करेंगे? रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपका होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप में सबसे ऊपर में लिखा रहता है। यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आप अगर आप सर्च करेंगे तो आपका फॉर्म नंबर सामने में लिखा हुआ आ जाएगा, किस तरह से लिखा आएगा वो भी देखते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सर्च पे, इस तरह से फॉर्म नंबर आपका आ जाएगा। सबसे शुरू में ही रहता है फॉर्म नंबर 210 करके जो होगा वही आपका फॉर्म नंबर है। इसमें से भी आपको फॉर्म नंबर जो है 210 नहीं लिखना है, बाकी जो लिखना है आपको जब एडमिट कार्ड सर्च करेंगे तो। इस तरह से आप फॉर्म नंबर पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।